आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि निकट में नगर पालिका व महापालिका के चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी निचले स्तर से बहुत धरातल स्तर से प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। विपक्षी पार्टी के लोगों को आशंका है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। अतरौली में आम आदमी पार्टी के 5 नामांकन में है, 5 में से एक प्रत्याशी को चुनाव। पूरी दमदारी के साथ आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी, ऐसा हमें डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी जी ने बताया। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी, निरंजन लोधी, कांचीलाल वार्षणेय, सौरभ भारद्वाज, अजय परिवा, अंशुल भारद्वाज, शानू कुरैशी, अमरीक सिंह, सत्येंद्र कुमार लोधी, जेपी सिंह, राजेश माहौर, एडवोकेट हरिओम सिंह, रत्नेश गुप्ता, हाजी मेहरबान कुरैशी, विनोद लोधी, विजेंद्र कुमार, शहजाद गाजी, अरमान गाजी, सलमान, संदीप वार्षणेय आदि लोगों की उपस्थिति रही। जैसा कि जाना जाता है, अतरौली विधानसभा एक बाहुबलीय विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पहले पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जब इलेक्शन आता है तो यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं केजरीवाल जी, क्या वो अतरौली विधानसभा पर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके जो नेता जब चुनाव आता है, मैंने कहा था कि जब मौसम अनुकूल आ जाता है तो कोयल भी लंका को छोड़कर हिंदुस्तान में आ जाती है। ये बिल्कुल कोयल की भांति है, ये आए हैं और अपने बच्चे पैदा कर अपने लोग जनता का वोट लूट कर चले जाएंगे। मेरा सीधा कहने का मतलब है कि जनता से आग्रह भी यही है कि ऐसे लोगों की कतई बात न माने जो आकर केवल चुनाव में आएंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे। भाजपा के लीडर आए, चाहे सपा के लीडर आए, चाहे बसपा के लीडर आए, बात सुननी है नगर पालिका अतरौली की, किसके अंदर कितना दम है। सही बात, ये लोग आएंगे, बातें करेंगे, जनता को बहकाएंगे, वोट ले जाएंगे। फिर 5 साल तक जो अपनी जमानत राशि नहीं रखा पा रहे, जिन्होंने खुद ने वादे किए, अलीगढ़ के सांसद जी, अलीगढ़ अतरौली के विधायक जी, या जो भी लोग हैं, ये अपने वादों पर खड़े उतरे, तो इनके वादों पर अब जनता कैसे भरोसा करेगी। रही बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, प्रदेश प्रभारी जी की, तो आम आदमी पार्टी ये व्यक्ति नहीं चल रहे, आम आदमी पार्टी का विचार सारे देश में लोगों को मॉडल पसंद आ रहा है। विचार है आम आदमी पार्टी का गरीबों की सेवा, विचार है आम आदमी पार्टी का शिक्षा, विचार है आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य, विचार आम आदमी पार्टी की चिकित्सा, ये सब चीजें क्या है, इनसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। माननीय केजरीवाल जी एकमात्र व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा सारे देश में नहीं, सारी दुनिया में फैलने लगेगी। और अमित शाह जी जैसे बार बार यहाँ पर एक बार छोटा सा चुनाव हुआ उसके अंदर कूद पड़े, आने दो। आम आदमी पार्टी के घर घर जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, देखिए टोपी वाले कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता जो जिस तरीके तैयार हुए हैं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को आमंत्रित किया है, आएंगे। संजय सिंह जी प्रदेश प्रभारी आएंगे और उनकी विचारधारा को लेकर हम घर घर जाएंगे और सही अनुकूल परिस्थिति बढ़िया है। अतरौली में दमदारी से पार्टी चुनाव लड़ रही है, जरूर निश्चित रूप से हम आएंगे भी, और नहीं भी अगर वो व्यस्तता में नहीं आ पाते हैं तो आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे शान भाई है, चाहे सौरभ जी है, चाहे कंचीलाल जी, सब लोग केजरीवाल जी बनकर काम करते हैं, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, विचारधारा पहले। पार्टी की नई नीतियाँ क्या रहेंगी? अभी तक जैसा कि देखने में आया है कि जाति धर्म की भावनाएं भड़काकर राजनीति की जा रही है और राजनीति का बेहद घिनौना स्तर सामने आया है। इसमें जनसामान्य को बैकफुट पर ला दिया गया है, उनकी आवाज़ सुनने, उनकी आवाज़ उठाने की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। प्रशासनिक अधिकारी नेताओं के प्रति जवाबदेह तो हैं, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेह नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जनसामान्य की समस्याओं की सुनवाई के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करेगी। नगर अतरौली में चूँकि व्यवस्था भी नगर से जुड़ी चल रही है, तो यहाँ पे अनेक क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी द्वारा कैंप लगाकर जनता की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी, निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा जो पारदर्शिता का स्तर घटा है स्थानीय निकायों में, पारदर्शिता का स्तर इस कदर घटा है कि जब सूचनाएं मांगी जाती हैं तो आरटीआई कार्यकर्ताओं को किसी न किसी बहाने से कई बार बहुत अधिक रकम मांग करके, कई बार कोई अन्य अनैतिक सा कारण बता करके सूचना नहीं दी जा रही है। इसका सीधा उद्देश्य भ्रष्टाचार को संरक्षण देना रहा है। इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी गंभीरता के साथ सतत कदम उठाएगी। सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित किया जाएगा, उनके प्रोटेक्शन की उचित व्यवस्था की जाएगी और जो अनावश्यक गोपनीयता है, हम जब हमारे आप प्रत्याशी को जिताया जाएगा या हमारे प्रत्याशी जब चेयरमैन बनेंगे तो हम वादा करते हैं कि हम 15 वर्ष का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक करेंगे और अपना पूरा सभी प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाएगा। क्या प्रस्ताव है, क्या एस्टीमेट है, कोई घोटाला घपला नहीं होगा, जनसामान्य को सूचना देने की पूरी आज़ादी रहेगी। आपका शुभ नाम क्या रहेगा? मैं सौरभ भारद्वाज, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, अतरौली, आम आदमी पार्टी।